वाटरवे है। और देखो ना, और इसी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश ने वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण हो, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हो रहे हैं इनको अच्छे नहीं लगते। मुझे आश्चर्य होता है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां पे फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है, आपके इस जनरल नॉलेज के लिए मुझे तो आपके आप पर मुझे तरस आती सचमुच। दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए थी और इस पे तेजी लाने का काम कोई किया थे, मोदी सरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके पहले सैंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेंटर में थी ही नहीं, आप लाए कहां, इससे ज्यादा कोरा झूठ और क्या हो सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो कहां ना पहुंच गया है अभी तक तो। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोटेंशियल है कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उसी में हम लोग वहां पर प्रदेश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण दादरी में और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार वहां पे कर रही है। मल्टी मॉडल फ्रेट विलेज वाराणसी में निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। जनता को लोकतंत्र में जनार्दन वैसे ही नहीं बोला गया है, उसके पीछे कारण है, वो जानती है, हर नेता की नब्ज को जानती है और वो जानती है ये लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं ये, और इसीलिए जनता इनको हमेशा इस बात की जवाब दी है, लगातार जवाब दे रही है। महोदय, मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर, क्योंकि इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रुचि नहीं ली, रुचि का विषय भी नहीं इन लोगों का, क्योंकि इनके विकास का मतलब तो व्यक्तिगत विकास होता है, प्रदेश का कहां विकास, प्रदेश कहां विजन का हिस्सा था इनका, एजेंडे का हिस्सा कहां गांव था, कहां किसान था, कहां नौजवान था, कहां पे प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ही कहां होती थी, ये कौन बात करता था। ये सभी चीजें अगर इन लोगों के विजन का हिस्सा होता तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर एक का इकोनॉमी होता है। 2017 में जब हम लोग आए थे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, 14वें नंबर पे था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। पूरी दुनिया आज एक्सपोर्ट करने के लिए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रही है, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, एनसीआरबी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं, डकैती में लगभग 80% की कमी आई है, लूट में लगभग 69% की कमी आई है, हत्या में लगभग 40% की कमी आई है। एनसीआरबी मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं। अभी मेरठ की जो बात आपने की है ना उस पर मैं आ रहा हूं। बलवा में लगभग 61% की कमी आई है और रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है, फिरौती के लिए अपहरण 70% कमी आई है। ये एनसीआरबी के डाटा है,
हमारे पास हर कुछ परमानेंट है, हमारे यहाँ जो एक बार जारी जो एक बार बनता है वो पूरा कार्यकाल अपना पूरा करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके समय में डीजीपी का कार्यकाल और एक सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या थी, एवरेज जिलाधिकारियों की जो, देखिए प्रशासन में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके समय में 6 महीने थी, आज एवरेज 18 महीने है, ये पर्याप्त है जानने के लिए। और एवरेज के नियम को भी जानना है तो एक बार चचू के पास थोड़ा बैठिए तो और अच्छा गणित समझा देंगे। महोदय मुझे आश्चर्य होता है कावड़ यात्रा में पुष्प वर्षा से भी नेता विरोधी दल को थोड़ा परेशानी हो गई। आपने तो कावड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, हमने तो चालू कर दिया। और हमारी सरकार है कि हर एक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है केवल संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है, सड़कें आवागमन के लिए नहीं। मैं वो आ रहा हूं ना, जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे इन्होंने बैन कर दिया था जन्माष्टमी को। जब मैं 17 में आया मैंने पूछा भी क्या जन्माष्टमी, उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ने बैन लगा रखा है। मैंने कहा क्यों, कहा नहीं 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 इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। हमने कहा भी हर थाने में हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व और हर जेल में भी मनाओ, हमने प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कावड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था जहां पर भक्ति भाव के साथ 4 करोड़ कावड़ यात्री श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं गाजियाबाद के बीच में, 4 करोड़ लोग, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर के सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी, वे तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन नेता विरोधी दल को परेशानी है इस सब में, ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है, ये पुष्प वर्षा से उनको परेशानी है, परेशानी इस बात से नहीं कि किसी और से हो, क्योंकि उनके समय में बैन हो गया था लेकिन यहां खुल चुका है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी समुदाय को नहीं। उनकी परेशानी सांड से नहीं, उनकी परेशानी इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस के बंद होने से है, क्योंकि इल्लीगल स्लॉटरिंग ये जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था और अन्नदाता किसानों के पेट पे लात मारने जैसी स्थिति थी। ये उन किसानों के साथ अन्याय था, लेकिन ये लोग उससे भी इनको परेशानी होती है। महोदय ड्रेजिंग के लिए भी प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया इनको परेशानी है कि आखिर नदियों में पहले बाढ़ आती थी इनके लिए कमाई का जरिया बनता था, हमारी सरकार में अन्नदाता किसानों को उसका भुगतान हर बार हर वर्ष हम लोगों ने पूरा भुगतान किया, मुआवजा दिया गया हर प्रकार से किसानों को दिया गया। और इस बार फिर से सर्वे के आदेश दिए गए हैं बाढ़ से या सूखा से, और विकल्प भी रखा गया है कि अगर बारिश कम होती है तो श्रीअन्न यानी मोटा अनाज देने के लिए अभी से कृषि विभाग के द्वारा उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, अगर फिर भी एवरेज से कम बारिश होगी सरकार वहां पे किसानों को फिर से बीज के किट उपलब्ध करवाएगी जिससे किसान
कि खेत खाली न रह जाए और उसके आमदनी पर असर न पड़े। कंपनसेशन एक सपोर्ट होता है, लेकिन सरकार के स्तर पर एक जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं उसको लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके बारे में इनको परेशानी होती है।